फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। इस वीडियो सीरीज में हम लोग परफेक्शन आईएएस का मैगजीन डिस्कस कर रहे हैं। इस मैगजीन में ऑलरेडी हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। वो टॉपिक मैं बताता हूँ, बिहार इकोनॉमी सर्वे। उसके बाद हमने बिहार इकोनॉमी सर्वे, बिहार बजट डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया बिहार करेंट अफेयर्स, नेशनल करेंट अफेयर्स। नीचे आइए तो इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स, इकॉनमी, साइंस एंड टेक, डिफेंस सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, स्पोर्ट्स अवार्ड, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले रिपोर्ट, रैंकिंग एंड इंडिसेस। लगभग 14 पेज में है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी एग्जाम में, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम दो टॉपिक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, प्लेसेस इन न्यूज एंड गवर्नमेंट स्कीम। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद बाकी को हम एक या दो वीडियो में पूरा डिस्कस कर लेंगे। जैसे इन पूरे को एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ज़्यादा हैवी नहीं, और इन पूरे को एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। मेजर हमारा हो गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज भी किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा कुछ प्लान है, जैसे जिसमें हम 9th और 10th का साइंस कवर कर रहे हैं, परफेक्शन आइस का मैगजीन, बिहार स्पेशल का सीरीज डिस्कस करें, और बिहार करेंट अफेयर्स भी अलग से, एडुटेरिया का जो करेंट अफेयर्स आएगा उससे डिस्कस करेंगे। एडुटेरिया मैगजीन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, घटनाचक्र का जो पूर्वावलोकन अभी करा रहे हैं, क्राउन जीके करा चुके हैं। ये आपको सपोर्ट कर सकते हो, ये अपकमिंग कोर्सेस से देख सकते हो, ठीक है। पहला रिपोर्ट है ग्रीन हाइड्रोजन, यानी देखो नाम से पता चला है हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना है, बट ये प्रोडक्शन का तरीका भी ग्रीन होना चाहिए। ये दो इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन आपको बना रहे हो भाई, हाइड्रोजन एक फ्यूल है, बना रहे हो, बट जिस तरीके से बना रहे हो क्या वो ग्रीन है या नॉन ग्रीन है, ठीक है। तो अगर ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें कि बनाने का तरीका भी ग्रीन है, तो इसके लिए एक रिपोर्ट है, इनेबलिंग मेजर रोड मैप फॉर एडॉप्टेशन इन इंडिया रिपोर्ट, ठीक है। ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, और ये क्या बताता है कि अगर ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी के तरीके से, तो दो तरीका बताया गया है, एक या तो इलेक्ट्रोलाइसिस वाला तरीका या कन्वर्जन ऑफ बायोमास। ये दो तरीका है कि हाइड्रोजन भी बना लिया जाएगा, हाइड्रोजन एक ग्रीन फ्यूल है मान लेते हैं, बट उसका बनाने का तरीका, जो प्रोसेस है, क्या वो ग्रीन है, क्या उस प्रोसेस में हम बहुत ज़्यादा ऐसा फ्यूल यूज कर देते हैं जो ग्रीन नहीं है, तो उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे, क्लियर। दो तरीका है, इलेक्ट्रोलाइसिस या कन्वर्जन ऑफ बायोमास। अब ग्रीन हाइड्रोजन का एडॉप्टेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों चाहिए कि हम ग्रीन हाइड्रोजन को यूज करें, क्योंकि हमें बहुत सारे सेक्टर को डी कार्बनाइज करना है, क्योंकि हमारा एम है 2017 तक नेट जीरो एमिशन करना है, क्लियर। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग जब 2070 तक जाएंगे, उससे पहले हमारा एनर्जी डिमांड अभी जितना नहीं रहेगा, बढ़ेगा। यहाँ बोला है कि हमारा एनर्जी डिमांड 2030 में अभी के हिसाब से 35% ज़्यादा एनर्जी डिमांड रहेगा। तो एनर्जी डिमांड रहेगा तो एनर्जी यूज करेंगे, तो एनर्जी हम ग्रीन क्यों नहीं यूज करें। कुछ वैल्यू एडिशन यहाँ पे है, देखो एक तो हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, जिसमें हमने बोला है कि 5 मिलियन मेट्रिक टन हर साल 2030 तक हमको क्या बनाना है, हाइड्रोजन बनाना है, 5 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम बाई 2030, ठीक है। दो सब मिशन है जो ग्रीन हाइड्रोजन पे फोकस करता है, एक है साइट और एक है सिप। साइट क्या है, स्ट्रेटजिक इन्वेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन में ट्रांजिशन करना, और दूसरा है स्ट्रेटजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप। तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक रिपोर्ट आया कि हाइड्रोजन को किस कुछ इस तरह से प्रोड्यूस किया जाए कि वो तरीका भी ग्रीन हो। तो हमने तरीका ढूंढ लिया, इलेक्ट्रोलाइसिस या कन्वर्जन ऑफ बायोमास। क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमें बहुत सारे सेक्टर को डी कार्बनाइज करना है, ताकि हमारा जो गोल है 2017 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन वो हो सके, और हमारा एनर्जी भी तो का डिमांड भी तो बढ़ेगा आने वाले 2030 तक, हमारा 35% इंक्रीज होगा। और ये कुछ तरीका है। नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर। देखो मैं जितना पॉइंट पे हाईलाइट किया हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करना है, बाकी क्वेश्चन उसी जैसे बनेंगे, तो मैं ऐसे लाइन बाई लाइन नहीं बता सकता ना आपको, और कोई फ़ायदा नहीं है लाइन बाई लाइन, वो तो आप खुद ही पढ़ लोगे। मुझे बताना है कि इतना बताना है जो क्वेश्चन आए, मतलब ये टॉपिक पूरा भी कवर हो जाए, और आपको बस ये पॉइंट पर ध्यान देना है। सबसे पहले फ्यूचर ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट, ये रिपोर्ट भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, और ये क्या बता रहा है कि जो हाई इनकम इकोनॉमिक्स है, दो टाइप का इनकम इकोनॉमिक्स है, मतलब दो टाइप का देश है, जहाँ पे एक हाई इनकम है एक लो इनकम है। हाई इनकम वाले किस चीज़ पे हाई होते हैं, हाई इनकम वाले किस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इनोवेशन एंड इंक्लूजन पे। लो इनकम वाले किस चीज़ पे फोकस करते हैं, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो इंडिया के साथ केन्या सबसे ज़्यादा हाई रैंक लाया है सस्टेनेबिलिटी में, याद रखिए सस्टेनेबिलिटी में, लेकिन मेजॉरिटी ना पूरे सस्टेनेबल है और ना इंक्लूसिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
ई फ्यूल का क्या रोल है, डी कार्बनाइज करना है हमें ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को इसमें, तो एक रिपोर्ट निकाला गया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। तो ई फ्यूल कौन कौन से होता है, लाइक ई मीथेन, ई केरोसिन, ई मेथेनॉल, ये सब प्रोड्यूस तो होता है, तरीका भी रिन्यूएबल हो ये इंपॉर्टेंट है, या डी कार्बनाइज इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो, मतलब ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो जिसमें कार्बन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, मतलब हमें बनाना है मीथेन बट वो तरीका क्या है, तरीका ग्रीन है। और मीथेन से हमारा, आपको पता ही मीथेन मेजॉरिटी चीज़ में यूज होता है, जैसे नेचुरल गैस जो भी होता है उसमें मीथेन होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो हम गाड़ी वगैरह चलाते हैं, बस सीएनजी से नहीं, जो बस चलती है या जो भी गाड़ी चलती है, तो तरीका क्या है, रिन्यूएबल है। तो कुछ एग्जाम्पल जो प्रमोट करेगा ई फ्यूल को, तो एक तो गवर्नमेंट का वो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन वाला मिशन हो तो मैंने बताई दिया, और दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में हमने 100% FDI ऑटोमेटिक रूट से परमिट कर दिया है, कि भाई 100% FDI किससे आना चाहिए, किससे आ सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से आ सकता है। अब दूसरा एनआईएफआरएफ जो रैंकिंग है ये उल्टा दे दिया है, 2024 है, इसमें 16 कैटेगरी है, 16 कैटेगरी में कुछ कैटेगरी नया ऐड किया गया, एक स्टेट यूनिवर्सिटी वाला, स्किल यूनिवर्सिटी वाला और ओपन यूनिवर्सिटी वाला, ये कैटेगरी नया ऐड किया गया है। आईआईटी मद्रास टॉप किया है, उसके बाद आता है आईआईसी बंगलोर, उसके बाद आईआईटी बॉम्बे। अगर बात करें इंजीनियरिंग में, वहाँ पे भी आईआईटी मद्रास टॉप, यूनिवर्सिटी की बात करते हो सबसे पहले आईएससी, फिर जेएनयू और उसके बाद जेएमआई, ठीक है। और मेडिकल की बात करते हो पहले एम्स न्यू दिल्ली, पीजीआईएमई चंडीगढ़ और सीएमई वेल्लोर, ये टॉप 3 मेडिकल कॉलेज हैं। अगला क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ये वर्ल्ड बैंक निकालता है, बता रहा है भाई कि ग्लोबल ग्रोथ है ना, पूरी दुनिया का जो ग्रोथ है उसमें डिक्लाइन हो रहा है, जैसे 2023 में 2.6%, 2024 में क्या है 2.4%। इंडिया का क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, कौन सा ऐसा राज्य है जो क्लीन एनर्जी की तरफ ज़्यादा तेजी से ट्रांजिट कर रहा है, कि मतलब नॉन क्लीन से क्लीन, तो कर्नाटक और गुजरात बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है ना, कर्नाटक और गुजरात, और जो अच्छे से काम नहीं कर रहे उसमें आता है झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी और बिहार, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है, ये अच्छे से काम कर रहे हैं, अपने पावर सेक्टर को डीकार्बनाइज कर रहे हैं, सिंपल। पासपोर्ट अफोर्डेबिलिटी रैंकिंग, कौन सा देश है जिसका पासपोर्ट सबसे ज़्यादा सस्ता है, ये है यूएई, ठीक है ना, और इंडिया इंडिया का जो पासपोर्ट है ना वो सेकेंड नंबर पे है सबसे सस्ते पासपोर्ट में, ठीक है ना, सबसे महंगे पासपोर्ट में है और मैक्सिको, उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये रिपोर्ट कौन निकालती है, ऑस्ट्रेलियन फार्म है, ऑस्ट्रेलियन फार्म, इतना याद रखिएगा। हुरून इंडिया, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 है, इंडिया में थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है 2024 में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम आई इस साल की बात करें तो, और इंडिया यूनिकॉर्न के मामले में थर्ड रैंक है, ये बस याद रखिए, टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न ये नहीं पूछेगा। WHO का 2024, ये देखो इंडिया में टोटल यूनिकॉर्न 118 के आसपास है वैसे, ठीक है, जितना पॉइंट मैं बता रहा हूँ ना प्लीज उतना ही ध्यान रखो, ज़्यादा ध्यान नहीं रखो। WHO का ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट आता है, ठीक है, तो इंडिया का रैंक है सेकेंड, नंबर ऑफ केस का ये रिपोर्ट निकालता है, तो नंबर वन पे है चाइना, याद रखें हेपेटाइटिस बी और सी की बात करते हैं, हेपेटाइटिस का वैसे 5 स्ट्रेन होता है, ABCDE। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयरनेस इंडेक्स की बात करते हैं, वो रिपोर्ट कौन निकालता है, IMF, इंडिया का रैंक है 72nd। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग की बात करते हैं तो मर्सर रिपोर्ट निकालता है कि कहाँ पे रहना सबसे ज़्यादा महंगा है, तो बताता है कि सबसे ज़्यादा महंगा है हांगकॉन्ग, भारत में सबसे महंगा है मुंबई। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है कि इंडिया ने चाइना को पीछे कर दिया डिजिटल सर्विस के एक्सपोर्ट्स के मामले में, ध्यान देना पिछले साल के हिसाब से हमने कितना ग्रोथ किया, 17% ग्रोथ किया है, याद रख लेना है, ठीक है, और इंडिया ने इन सबको आउट पास कर दिया, चाइना जर्मनी को, क्योंकि ये लोग ग्रोथ कम किए, हमने ग्रोथ 17% ग्रोथ किया। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, देखो ये साइबर क्राइम कितना है, कहाँ से इनिशिएट हुआ ये इम्पॉर्टेंट है, देखो रसिया टॉप पे है, सेकेंड नंबर पे यूक्रेन, थर्ड पे चाइना, फोर्थ है USA, याद रख लेना है। और ये रिपोर्ट कौन डिस्कवर करता है, मतलब डेवलप करता है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड।
यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, मोनास यूनिवर्सिटी, ये सब याद नहीं रखना है, ठीक है? नहीं, ये सोर्सेस की बात करते हैं कि कहाँ ज़्यादा सोर्स है साइबर क्राइम एक्टिविटी का। प्लास्टिक ओवरशूट रिपोर्ट की बात करते हैं। देखो ये क्या होता है एक्चुअली, ये बात करता है, देखो प्लास्टिक ओवरशूट डे ये रिलीज किया गया बाई अर्थ एक्शन के द्वारा। ये प्लास्टिक कितना क्रिएट हुआ ये याद नहीं रखना है, इतना राइज हुआ ये भी याद नहीं रखना है। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ याद रखना है, टॉप थ्री जहाँ पे प्लास्टिक यूज होता है, चाइना, फिर इंडिया, फिर रसिया। 12 कंट्री 60% दुनिया के मिसमैनेज प्लास्टिक वेस्ट के कारण है। इंडिया को ऐसे देखो पर कैपिटा देखा जाए तो लो वेस्ट प्रोड्यूसिंग पॉल्यूटर है, और मिसमैनेजमेंट वेस्ट इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। एनुअल पर कैपिटा वेस्ट प्रोडक्शन कितना है, 8 kg पर कैपिटा पर ईयर, ठीक है? और देखो अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एक्सपोर्टेड इज लोअर देन इम्पोर्टेड, कि जितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा आप इम्पोर्ट कर रहे हो, ठीक है? क्यूएस का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करते हैं, तो जो JNU है उसने टॉप रैंकिंग लाया है। भारत की बात करते हैं, भारत में 5th पोजीशन रीजनली फॉर द नंबर ऑफ इंडिविजुअल टॉप 200 और 6th, ये ऑलरेडी हमने थोड़ा बहुत कहीं कहीं डिस्कस किया है क्यूएस का। वैसे इंटरनेशनल ग्लोबल रैंकिंग की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी वाला जो है वो 10th पोजीशन पे है, ये बस ध्यान रख लेना है। और धीरे धीरे हमारा इम्प्रूव, मतलब ज़्यादा ट्रैफिक हमारे वहाँ पे आती है एयरपोर्ट पे, 10वां नंबर है। नेक्स्ट है मेजरिंग द इमिशन एंड एनर्जी फुटप्रिंट ऑफ द ICT सेक्टर। ICT सेक्टर की बात करें कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कितना ज़्यादा इमिशन हुआ है, तो ये रिपोर्ट निकालता कौन है, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन और वर्ल्ड बैंक निकालता है, ये याद रख लेना है, ठीक है? बस ये आगे कुछ नहीं। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक ब्रीफ ट्रैकिंग COP28 जो आउटकम का रिपोर्ट आया, तो ये रिपोर्ट निकालता था IRENA, IRENA, ठीक है? तो COP28 आपको पता है UAE में हुआ था, ये ज़्यादा याद नहीं रखना है, ये भी याद नहीं रखना है। देखो विद अ ग्रोथ ऑफ 20.1% एशिया वाज अ लीडर इन रिन्यूएबल डिप्लॉयमेंट एंड इट्स ग्रोथ वाज ड्रिवन बाय चाइना। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट की बात करते, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने निकाला, किसने, एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, ठीक है? देखो फूड वेस्ट से जो ग्रीन हाउस निकलता है ना, जनरेट करता है, फूड वेस्ट जो जनरेट करता है एस्टिमेटेड 8 to 10% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन में 8 से 10% रोल होता है फूड वेस्ट का। ये रिपोर्ट जिसको को ऑथर किया गया था विथ रैप यानी वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम वॉज पब्लिश्ड अहेड ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, इससे पहले पब्लिश किया गया, ठीक है? इंडिया गेमिंग रिपोर्ट कौन निकालता है, एक तो आपको पता है विंजो, इसके MSD है इसके ब्रांड एम्बेसडर, इंट्रैक्टिव इंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल एंड विंजो, ये गेमिंग रिपोर्ट बोलता है। देखो इसके बारे में बोला जाता है कि इंडिया का जो गेमिंग मार्केट है ना $6 बिलियन पहुंच सकता है 2028 में, और गेमिंग जो कंपनीज था 2015 में सिर्फ 25 था, अभी 1400 हो चुका है, ठीक है? और एक और चीज़, इंडिया ऑफिशियली लार्जेस्ट गेमिंग मार्केट है, याद रखना लार्जेस्ट गेमिंग मार्केट है, हर 5 में से 1 जो गेमर है वो भारत का ही है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट वो कौन निकालता, ILO निकाला, ILO किसके साथ कोलाबरेशन करके, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ कोलाबरेशन करके, ठीक है? देखो यूथ नाउ कंस्टिट्यूट नियरली 83% ऑफ द कंट्रीज अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स। देखो जितने अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स है ना उसमें 83% यूथ होगा, ये तो नॉर्मल बात है कि ज़्यादा यूथ ही होगा। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की बात करते, यहाँ पे बोला गया कि शुरुआत में आज़ादी के बाद 1980 तक जो भिन्नता थी, इनइक्वालिटी थी, वो डिक्रीज हो रहा था, मतलब लोग ना ज़्यादा गरीब हो रहे थे ना ज़्यादा धनी हो रहे थे, बीच बीच का थे सब, बट 1980 के बाद ये बहुत गैप हो गया कि गरीब और गरीब होने लगे, अमीर और अमीर होने लगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया के टॉप 1% का इनकम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इवन साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और US के 1% से ज़्यादा है,
ठीक है ना। देखो टॉप 1% का जो इनकम है भारत में और टॉप 1% का इनकम ब्राजील में या साउथ अफ्रीका में, यूएस में, देखो तो इंडिया वाला का ज़्यादा टॉप 1% का इनकम है। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट ये कौन निकालता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्ट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। उसके अलावा और क्या क्या बात कर रहा है? देखो वर्ल्ड क्लाइमेट 2023 द रिपोर्ट हाईलाइट्स दैट 2023 ब्रोक एवरी क्लाइमेट इंडिकेटर लाइक ग्रीन हाउस गैस टेम्परेचर एंड हाईलाइट द स्टेट ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस अक्रॉस द ग्लोब। सबकी बातें करता है कि फाइनेंस की कहाँ रहा है, ग्रीन हाउस गैस कैसे जनरेट हो रहा है, कितना जनरेट हो रहा है। तो क्लाइमेट फ्लो नियरली डबल हुआ है 2021-22 में 2019-20 के कंपेयर में। क्लाइमेट फ्लो जो है ना वो डबल हुआ है। क्लाइमेट फाइनेंस इन्वेस्टमेंट नीड्स टू ग्रो। देखो अभी जितना हम लोग खर्चा कर रहे हैं ना उसका 6 गुना करना होगा तभी जाके हम जो 1.5 डिग्री सेल्सियस के पाथवे पे है उस पे आ सकते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क निकालता है। इंडिया की रैंक है 143 में से 126, ठीक है, इंडिया की रैंक है। और टॉप 3 कंट्री है फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, ये याद रख सकते हैं। देखो जो लार्जेस्ट गैप है ना वो फिनलैंड और अफगानिस्तान के बीच है, लगभग 6 पॉइंट का, टोटल 10 पॉइंट है उसमें 6 पॉइंट का गैप ही है। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन निकाला, ये बोला कि 2023 था ना सबसे गर्म साल था, ठीक है ना, 174 साल का इन ऑब्जर्वेशन का रिकॉर्ड है, उतने में सबसे गर्म साल है यही था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट आता है, ILO का रिपोर्ट आता है, ये जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, ये याद रखिएगा। अब ILO जो बना था 1919 में बना था, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में के थ्रू बना था, एक एफिलिएटेड एजेंसी बना था ऑफ लीग ऑफ नेशन, तो ये लीग ऑफ नेशन के समय का ही है। और जब यूनाइटेड नेशन बन गया ना तो यूनाइटेड नेशन का पहला एफिलिएटेड स्पेशलाइज्ड एजेंसी कौन बना? ILO, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। फाउंडिंग मिशन कौन है? सोशल जस्टिस इज एसेंशियल टू यूनिवर्सल एंड लास्टिंग पीस। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज ह्यूमन एंड लेबर राइट को प्रमोट करता है। इसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है 1969 में, नोबेल पीस प्राइज याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक लिखा हुआ है, एक रिपोर्ट आया है, रिलीज एट जेनेवा हैज फाउंड दैट फोर्स लेबर, जो फोर्स लेबर होता है, जनरेट इलीगल प्रॉफिट फोर्स लेबर से हर साल $36 बिलियन का प्रॉफिट होता है फोर्स लेबर से, याद रख सकते हो। एक डेमोक्रेसी रिकॉर्ड, देखो इंडिया को वीडेम इंस्टीट्यूट जो डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट जो डेमोक्रेसी रिपोर्ट निकालते, इंडिया को ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में रख रहा है, ठीक है। और इंडिया को लिस्ट किया है टॉप 10 स्टैंड अलोन ऑटोक्रेसी ऑफ 2023, पता नहीं किस डेटा को ये लोग क्या देखते हैं, ठीक है, ये ध्यान नहीं रखना है। और एक चीज़ वो बोला है कि कुछ जगहों पे जहाँ पे पहले डेमोक्रेसी था बट जिस कैटेगरी में भारत को रखा ना उस कैटेगरी में इसको रखा गया तो ये फिर से क्या बन गए, ये ऑटोक्रेसी बन गए। और इसमें से दो जो है वो अभी भी डेमोक्रेसी है, ग्रीस एंड पोलैंड, बाकी जो कोमरस, हंगरी, मॉरिशस, ये सब बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेसी में आ गया। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तो ये कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर ही एक आता है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, उसकी बात कर रहे हैं। और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में भारत 2022 में रैंक था 108, अब भारत का रैंक 14 पायदान ऊपर हुआ, यानी अब भारत का स्थान है 94, ठीक है। टॉप रैंक कौन कौन है? डेनमार्क, फिर नॉर्वे, फिर स्विट्जरलैंड। नहीं, ये मतलब पिछले बार था 122, ये 122 से 108 आया है। ये भले ही 2022 का रिपोर्ट दिखा रहा है बट आया 2023-24 में। फर्स्ट ग्लोबल रैंकिंग फॉर स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, सबसे पहले ये याद रखिए पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, इसको सेकेंड प्लेस मिला है, इसने हार्वर्ड को भी पीछे कर दिया। सबसे पहले समझते ये क्या है, PHAR यानी पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये पहला इंटरनेशनल बिब्लियोमेट्रिक यूनिवर्सिटी रैंकिंग सिस्टम है जिसको डिजाइन किया गया है एकेडमिक पब्लिक हेल्थ के लिए। और इस प्रोजेक्ट को फंड कौन कर रहा है? इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ, यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा। इसने क्या किया है, 6 इंस्टीट्यूट बनाया है पूरे देश में मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, ठीक है।
और पब्लिक हेल्थ पीपल्स के हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करने के लिए। ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली ने निकाला है, ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा, ऑफ द इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ग्लोबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स हैज ग्रोन मोर देन 3 times। पिछले 50 साल में जो हमारा प्रोडक्शन है और कंजम्पशन है ये ग्रो किया है पिछला 3 गुना, ठीक है। कंजम्पशन एंड यूज ऑफ रिसोर्स इज लार्जली ड्रिवन बाई डिमांड इन अपर इनकम कंट्री। अपर इनकम कंट्री बहुत ज़्यादा डिमांड करता है इसके लिए, ज़्यादा डिमांड, ज़्यादा चीज़ यूज करते हैं। 12th इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है ना, ये निकालता कौन है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इंडिया की रैंकिंग है 42, याद रख सकते हैं, 42nd रैंकिंग है इंडिया की, ठीक है। टॉप 3 में यूएसए, यूके और फ्रांस। चलिए आईपी में भारत की रैंक है 42nd आउट ऑफ 55। ओवरऑल स्कोर मत याद करो, नहीं याद करना है। ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसपोर्ट की, ये भी रिपोर्ट वही निकालती है, सिप्री निकालती है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च, ये 2019 से 2022 की बात कर रहा है। ट्रेंड्स इन आर्म्स ट्रांसफर, सबसे 5 एक्सपोर्टर, सबसे 5 बड़े बड़े कौन है, यूएस, फ्रांस, सेकेंड स्थान पर चला गया रसिया, चाइना और जर्मनी। फ्रांस पहली बार सेकेंड बिग आर्म एक्सपोर्टर बना है, किसके बाद, यूएसए के बाद, पहले वो 3rd 4th हुआ करता था। इम्पोर्टर में सबसे पहला है भारत, फिर सऊदी अरेबिया, फिर कतर, फिर यूक्रेन, फिर पाकिस्तान। और इंडिया का जो आर्म्स इम्पोर्ट है ना, पिछले 5 सालों में कितना हो गया, 4.7% से बढ़ा है। रसिया अभी भी हमारा मेन पार्टनर है जिसे हम खरीदते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2024, ये पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर। ये बोलता है इंडिया का GDP ग्रोथ 2024 में 6.2% रहेगा। ILO का एक और रिपोर्ट है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स। देखो ILO एकमात्र ट्रिपार्टाइल UN एजेंसी है, ट्रिपार्टाइल मतलब इसमें गवर्नमेंट भी है, एम्प्लॉयर भी है और वर्कर भी है, सबने मिला के 1919 में बनाया था, जिनेवा में हेडक्वार्टर है। अदर मेजर रिपोर्ट है ILO का, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वर्ल्ड ऑफ द वर्क रिपोर्ट, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वर्ल्ड ऑफ द वर्क रिपोर्ट। इनइक्वालिटी इंक, ये एक रिपोर्ट है, ये किसके बारे में, देखो ये जितना ज़्यादा इनइक्वालिटी फैला है ना दुनिया में उसके लिए रिपोर्ट है, ऑक्सफैम निकालती है कि कितना ज़्यादा डिस्पैरिटी है, ठीक है। बोला कि 2020 के बाद जो दुनिया के टॉप 5 मैन हैं उन्होंने अपने वेल्थ को 2 गुना कर लिया है, ठीक है ना, और लगभग 5 बिलियन पीपल यानी 60% ग्लोबल पॉपुलेशन कोविड के कारण वो और गरीब हो गए हैं, ठीक है ना। वर्ल्ड के टॉप 1% के पास टोटल 43% पैसा है, और रिचेस्ट जो 1% लोग हैं ना वो एमिट करते हैं उतना कार्बन पॉल्यूशन जितना पूरे गरीब पॉपुलेशन का 2/3 नहीं करता, 66% नहीं करता, उससे ज़्यादा वो कर लेते हैं। डिकोडिंग इंडिया चेंजिंग मॉनसून पैटर्न, ये तहसील लेवल असेसमेंट रिपोर्ट है कि कितना ज़्यादा इंडिया के मॉनसून के पैटर्न में कितना बदलाव है उसको डिकोड करते हैं। ये रिपोर्ट किसने निकाला, काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, ये 1982 से लेकर 2022 तक का डेटा उठाया है, ठीक है। और यहाँ पर बोला इंडिकेट्स 10-14% सर्ज इन साउथ वेस्ट मानसून रेनफॉल बाय द एंड ऑफ 20th century, और इम्प्रूव हुआ है साउथ वेस्ट मानसून का, ये है कि कुछ जगह फ़ायदा हुआ है, और इंडो गैंगेटिक प्लेन और नॉर्थ ईस्ट में रिपोर्ट हुआ है कि ड्राई डेज बढ़ गए हैं, जो सूखा दिन था वो बढ़ गए हैं, बट नॉर्थ ईस्ट मानसून में ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिला है। कुछ जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्क मिले, फ्रिक्वेंसी ऑफ हैवी रेनफॉल बढ़ गया है, लाइक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक में। आगे क्या है, ब्रेकिंग द वीसियस साइकिल ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एंड लो पेइंग वर्क को हटाना है कि भाई इनफॉर्मल वर्क कम से कम हो, ये रिपोर्ट कोश ने निकाला, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD रिपोर्ट निकाला, ठीक है। बोला कि जितने लोग दुनिया में काम करते हैं उसके 60% तो क्या है, इनफॉर्मल है, और 90% जैसे लो इनकम कंट्री में ना 90% लोग इनफॉर्मल जॉब ही करते हैं, ठीक है ना, बहुत उनको प्रॉब्लम होता है, डबल बर्डन वाला प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट 90% है ऑलमोस्ट, और देखो इनफॉर्मल इनएम्प्लॉयमेंट को फॉर्मलाइजेशन करने का कुछ तरीका है, जैसे ई श्रम पोर्टल है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और स्वनिधि योजना। ग्रो रिपोर्ट कौन निकाला,
नीति आयोग ने, ग्रीनिंग एंड रीस्टोरिंग ऑफ वेस्टलैंड एंड ए फॉरेस्ट्री रिपोर्ट एंड पोर्टल, ठीक है ना। ग्रीनिंग एंड रीस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड मतलब जो जमीन बर्बाद हो चुका है उसको वेस्ट उसको ठीक करते हैं, और एग्रो फॉरेस्ट्री इसका रिपोर्ट कौन निकाला, नीति आयोग ने, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री का सिंपल मतलब होता है कि आप क्रॉप के साथ एनिमल फार्मिंग सिस्टम करो और उसके साथ प्लांट वगैरह भी लगा, तो इससे इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स होंगे, याद रख सकते हो। ये हमारा टारगेट है कि 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड को 2030 तक हम लोग क्या करेंगे, रीस्टोर करेंगे, और एडिशनल कार्बन सिंक 2.5 to 3 जो बिलियन टन है कार्बन डाइऑक्साइड उसके इक्विवेलेंट उतना कार्बन सिंक इकट्ठा करेंगे। नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014 में आया, याद रखिए। एग्रो फॉरेस्ट्री कितना अभी है, 8.65% है हमारे टोटल एरिया का। अब इसको फॉरेस्ट एरिया से या ट्री कवर से कंक्लूड कंफ्यूज मत करना, वो अलग है, यहाँ पे तीनों चीज़ होना है तब होगा एग्रो फॉरेस्ट्री। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालते हैं, ये बस याद रखिएगा। अब इकोनॉमिक एक रिव्यू वाला रिपोर्ट निकालता है, द इकॉनमी ए रिव्यू रिपोर्ट, ये एक इंडियन इकोनॉमी रिव्यू रिपोर्ट निकाला गया था। ये रिपोर्ट निकाला गया था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर 6 डिपार्टमेंट है, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे सेंटर हैज रिलीज ए रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाई ऑफिस ऑफ CEA वी अनंत नागेश्वरम, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के ऑफिस से रिपोर्ट निकला है। देखो ऐसे इकोनॉमी सर्वे अलग से निकलता है, ये एक अलग है। इंडिया जर्निंग फ्रॉम पास्ट 10 ईयर टाइटल, देखो ये क्योंकि हम जब सर्वे निकालते हैं तो एक साल का निकालते हैं या और कुछ साल का पर ज़्यादा पूरा कंप्लीट वाला निकालते हैं, ये हमको पता है 3 साल का कैसे कैसे निकालते हैं, मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, बट ये 10 साल का है, ठीक है। और इस रिपोर्ट में क्या क्या दिखा हुआ है कि इंडिया $5 trillion की इकॉनमी बन जाएगी अगले 3 साल में 27 तक, और $7 trillion की इकॉनमी बनाई जाएगी 2030 तक। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट फिनटेक इकॉनमी बन जाएगी USA और UK के बाद। वो वुमेन बैंक अकाउंट जो होल्डर है पहले 53% था जनधन योजना आने से पहले, अब 76.6% है। फीमेल लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन रेट 2017-18 में 23.3% था, अभी 37% है। फीमेल का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन ये 4 गुना हुआ है, 2001 की बात करें तो सिर्फ 6.7% था, अब 27.9% है। इसके बाद ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ये डबल हुआ है, इवन डबल कब हुआ है, पिछले कुछ सालों में, ठीक है ना। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ये इंक्रीज हुआ है, ये देखो ये हायर एजुकेशन के ये टोटल का है, GST वगैरह यूनिफिकेशन ऑफ डोमेस्टिक, इस सबसे हमारे इकॉनमी को फ़ायदा हो रहा है। उसके अलावा सबसे पहला इकॉनमी सर्वे आया था 1950 में, 1964 तक इकॉनमी सर्वे और बजट एक साथ आता था। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हमने देखा था, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालती है। इंडिया की रैंक है 93 आउट ऑफ 180 कंट्री, मतलब इंडिया का मार्क्स सिर्फ 39 है स्कोर, मतलब आउट ऑफ 100 बहुत कम है। डेनमार्क फर्स्ट पे है, फिनलैंड, फिर न्यूजीलैंड। फाइनेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो फाइनेंस से रिलेटेड है एक रिपोर्ट निकाला गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखो 95% जो पंचायती राज को रेवेन्यू आता है ना वो ग्रांट के रूप में आता है सेंटर और स्टेट के द्वारा, अपना रेवेन्यू उनके पास बहुत कम है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ओन रेवेन्यू ऑफ द पंचायत वेयर ओनली 1.1% ऑफ द लोकल रेवेन्यू, बहुत कम है, जो कि इनके पास अपना पैसा आना चाहिए, ये बिल्कुल डिपेंडेंट होते हैं सेंटर और स्टेट पे। नॉन टैक्स रेवेन्यू प्राइमरली कहाँ से आती है, पंचायती राज प्रोग्राम में, इंटरेस्ट अर्निंग में, ठीक है ना, जो कि बस 3.3% है टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट के। मैंने बोला ना कि लगभग 95% तो सेंटर और स्टेट के ग्रांट पे डिपेंड करते हैं, 1.1% अपने टैक्स पे, 3.3% नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है। वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट ये निकाला कौन, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस,
इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। तो दुनिया के 300 जो टॉप कोऑपरेटिव है ना, उसमें पहला रैंक आया है भारत के इफको का, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो आपसे सिंपल पूछा जाएगा, वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट के हिसाब से सबसे बड़ा सबसे अच्छा कोऑपरेटिव कौन है दुनिया का, तो भारत का है इफको। डेमोक्रेसी रिपोर्ट कौन निकालता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये डेमोक्रेसी इंडेक्स निकालता है। इंडिया को पता किस कैटेगरी में रखा है, फ्लॉड कैटेगरी में, फ्लॉड कैटेगरी में, और इंडिया को रैंक दिया है 41 रैंक है, जिसमें ओवरऑल स्कोर है 7.18। अब टॉप कौन है, नॉर्वे, फिर न्यूजीलैंड, फिर आइसलैंड, सबसे लास्ट कौन है, अफगानिस्तान। एक बहुत इंपॉर्टेंट कि लेस देन 8% लोग फुल डेमोक्रेसी में रहते हैं। देखो इंडिया को भी ये फुल डेमोक्रेसी में नहीं बता रहा है, इंडिया को फ्लॉड डेमोक्रेसी में रख रहा है, कई सारी कैटेगरी है, नहीं तो ये परसेंट ज़्यादा बढ़ जाता ना। और 40% लोग किस में रहते हैं, राजा रानी वाले सिस्टम में, ऑथोरिटेरियन वाले रूल में रहते हैं, लाइक नॉर्थ कोरिया इस सब। डेमोक्रेसी इंडेक्स क्या 5 कैटेगरी पे रैंक करता है, इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल कल्चर, सिविल लिबर्टी। देखो ये इवन प्रेस का फ्रीडम भी देखते हैं, वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है कि नहीं ये भी देखते हैं, पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, प्लूरलिज्म कैसा है, ठीक है, ये सब कुछ। ग्लोबल कैंसर वर्डन रिपोर्ट, ये रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। क्या कौन निकालता है, WHO के ही बॉडी है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च एंड सेंटर। बोल रहा है कि अगले 25 सालों में, अगले क्वार्टर सेंचुरी में जो कैंसर का रेट है ना, वो डबल हो जाएगा, ठीक है ना, और 2050 तक 142% अभी से बढ़ जाएगा। एक रिपोर्ट, एक और प्रोग्राम है कैंसर मूनशॉट स्कॉलर प्रोग्राम, ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, इसका एम क्या है कि US में जो कैंसर से डेथ होते हैं ना, उसको आधा कर दो अगले 25 सालों में, कैंसर मूनशॉट स्कॉलर प्रोग्राम। तो कौन निकालता है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च एंड कैंसर। अगला क्या है, ये एक्चुअली कौन सा शहर सबसे ज़्यादा धीमा है, धीमा इन द सेंस भाई जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक होगी वो शहर धीमा हो जाएगा, तो बेंगलुरु को 6वां सबसे ज़्यादा कॉन्जेस्टेड सिटी के कैटेगरी में डाला है, मतलब सबसे धीमा है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है। लंदन को सबसे भयंकर वाला ट्रैफिक में रखा है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स प्रिपेयरनेस रिपोर्ट, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स प्रिपेयरनेस रिपोर्ट, ये कौन निकालता है, ग्लोबल प्रिपेयरनेस मॉनिटरिंग बोर्ड निकालता है, ठीक है। रिन्यूएबल पावर को, मतलब रिन्यूएबल जितना एनर्जी यूज हो रहा है उसको ट्रिपल कर लो, कितना तो आपके पास है रिन्यूएबल। और दूसरा पॉइंट क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी को डबल कर दो। ये हमने आपको बताया था कि COP28 हुआ था ना, उसके साइडलाइन में ये चीज़ सब हुआ है, ठीक है ना। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ARENA और ग्लोबल रिन्यूएबल अलायंस। तो आपसे सिंपल पूछेगा कि ये पॉइंट है किस और कि कब मीटिंग, किसके मीटिंग के साइडलाइन में ये इनिशिएट किया गया, तो COP28 जो अबू धाबी में हुआ था उसके। एनुअल रिपोर्ट ऑन रोड एक्सीडेंट ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे रिलीज करती है, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसमें फैक्ट आया है, ये तो याद नहीं रखना है। देखो क्या याद रखना है कि एक तो 2021 से 9.4% इंक्रीमेंट हुआ है ऑन रोड एक्सीडेंट। देखो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे निकालती है, फाइंडिंग क्या है, एक तो क्या होना, पिछले ही साल के हिसाब से, मतलब 2021 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है, लगभग 10%। और इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट रिलेटेड डेथ होता है, आफ्टर चाइना उसके बाद होता है, चाइना में सेकेंड नंबर है। और आपको लगे कि यार शहरों में ज़्यादा कंजेशन होता है तो शहर में ज़्यादा एक्सीडेंट होना चाहिए, लेकिन नहीं, गांव में होता है। बहुत बड़ा इसका कारण है जो रूल फॉलो नहीं करना, बच्चों की गाड़ी चला लेना और सब कुछ की रोड में सेम जगह से जा आ रहे दोनों, तो बहुत कुछ और भी चीज़ डिपेंड करता है, लाइसेंस का नहीं होना, ठीक है ना, बिना लाइसेंस के ही चलाना, और भी बहुत कुछ। एडप्टेशन गैप रिपोर्ट कौन निकालते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। देखो एडप्टेशन गैप क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इम्प्लीमेंटेड
एडेप्टेशन एंड सोशली सेट गोल, इन दोनों पे जो डिफरेंस होता है उसको एडेप्टेशन गैप बोलते हैं। ठीक है, तो एडेप्टेशन फाइनेंस जरूरी है कि 10 से 18 गुना और ज़्यादा किया जाए, ठीक है, तभी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट क्या, ओनली 2% ऑफ जेंडर टारगेटेड टैग्ड इंटरनेशनल एडेप्टेशन फाइनेंस है जो जेंडर रिस्पॉन्सिव है। बस ये याद रख लेना, कौन निकाला ये काफ़ी है। हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट, ये ऑब्वियसली जब भी हंगर से रिलेटेड आएगा तो वही फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये निकालता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि कहाँ पे ज़्यादा कंसर्न है खाने का, तो बुर्किना फासो, माली, साउथ सूडान और साउथ सूडान, वेरी हाई कंसर्न पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। ठीक है ना, जहाँ पे बिल्कुल क्रिटिकल लेवल पे फूड इनसिक्योरिटी आ सकती है, ये वहाँ की बात कर रहे हैं। नेपाल इंडिया के बीच एक इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्फ्रेंस हुआ, कहाँ पे, काठमांडू में, नेपाल और इंडिया का। ऑब्वियसली इंडिया नेपाल का रिलेशन और इम्प्रूव होगा, संस्कृत एजुकेशन इम्प्रूव होगा इंडिया और नेपाल दोनों जगहों पे। इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट, ये कौन निकालता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, किस चीज़ पे, फोर कैटेगरी है इनका, एक फूड इनसिक्योरिटी पे, नेचुरल डिजास्टर पे, डेमोग्राफिक प्रेशर पे और एक है वाटर रिस्क पे। ठीक है, हेडक्वार्टर इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस का हेडक्वार्टर कहाँ है, सिडनी में, ये एक थिंक टैंक है, नॉन प्रॉफिट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इकोलॉजिकल थ्रेट, ये जो रिपोर्ट है ना, स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट फॉर 2023, ये WMO निकालती, यही बस इम्पॉर्टेंट याद रखना है। अगर आपको ज़्यादा याद रखना है तो एयर पोल्यूशन सबसे बड़ा किलर है, बट सिर्फ 2% जो इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट आता है ना, वो एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए आता है। ठीक है, बस ये पॉइंट याद करना तो याद कर, नहीं तो ये तो याद करना ही करना है। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉन्फ्रेंस, देखो ये मीटिंग एक्चुअली क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिजन का एनुअल मीटिंग हुआ, कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली नैरोबी में, हेडक्वार्टर वहीं है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली का, केन्या में, और कुछ चीज़ों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए इम्प्लीमेंटेशन पे बात किया गया, कहाँ कहाँ क्या क्या, ग्लोबल मिथेन प्लेज, क्लीन एयर फ्लैगशिप एंड किगाली एग्रीमेंट। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक डेटा रिलीज किया है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट, ये क्या बता रहा है, एक पॉइंट ये याद हो सकता है कि सबसे पहले तो ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट ये WMO निकालता है। ठीक है, ये है स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट, ये भी WMO निकालता है। अब इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बात किया गया है कि हम लोग जो 1.45 पर डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं ना, कि इस लेवल तक हम रोक के रख लेंगे, तो इसके लिए हमारे बजट को, फाइनेंशियल बजट को 6 गुना करना होगा। कितना गुना करना होगा, 6 गुना। और चाइना, USA, यूरोप, ब्राज़ील एंड जापान, इंडिया टुगेदर रिसीव 90% ऑफ द इंक्रीज इन फंड। ठीक है, और ये पॉइंट ध्यान नहीं रख सकते हो। OECD क्या है, एक इंटरिम रिपोर्ट आया गया है टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन बाई 2040। ठीक है, और इसमें क्या बात किया गया है, इसमें बात किया गया कि 21 मिलियन टन प्लास्टिक लीक किया गया इन्वायरमेंट में ग्लोबली, और ये रिपोर्ट किसके द्वारा निकाला जाता है, OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंट इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। अब यूनिसेफ एक रिपोर्ट निकालता है, द क्लाइमेट चेंज चाइल्ड, मतलब ए चिल्ड्रेंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स सप्लीमेंट रिपोर्ट, कि क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट चिल्ड्रेन पे पड़ता है। ठीक है, द रिपोर्ट बिल्ड्स ऑन द यूनिसेफ चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, वाटर स्कार्सिटी, वाटर वनरेबिलिटी, और तो यहाँ पे ये बात किया है कि ऑलमोस्ट 1 बिलियन चिल्ड्रेन आर एक्सपोज टू हाई एंड एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस एरिया, इसमें बहुत सारे देश है, बुर्किना फासो, ये अफ्रीकन देश सब है। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो था NDC, ठीक है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये एक्चुअली रिलीज किया गया UNFCCC के द्वारा, सेक्रेटेरिएट के द्वारा, ये बोला कि जो पेरिस एग्रीमेंट में हमने जो गोल रखा था उससे हम ऑफ ट्रैक हो गए हैं। हमें क्या करना था कि 2030 तक
2030 तक 2010 के लेवल से हमको 45% इमिशन डिक्रीज करना था, बट यहाँ पे 8.8% तो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये एक दिक्कत का बात है। इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023, ये यूनाइटेड नेशन असेंबली का जो इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी है ना, उसने पब्लिश किया। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी है, उसका है इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। तो यहाँ पर बोला कि इंडिया उस पोजिशन पर पहुँच गया जहाँ पर ग्राउंड जो वाटर है डिप्लीट कर रहा है, बिल्कुल टीपलिंग पॉइंट पर पहुँच गया है। 20 आउट ऑफ वर्ल्ड 31 मेजर एक्वाफायर जो अंडरग्राउंड रिजर्वायर है ये बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, इस रेट से ख़त्म हो रहा है ना कि फिर ये फिर से आ नहीं पाएगा। पंजाब और नॉर्थ वेस्ट रीजन है सबसे ज़्यादा क्रिटिकली लो ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी है 2025 तक। हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट 2023, ये किसने निकाला? लैंसेट ने निकाला। ठीक है, तो बोला कि इनकम में या लेबर कैपेसिटी में डिक्रीमेंट आएगा एक्सट्रीमली हीट के कारण, और ये डिक्रीमेंट कितना आएगा? 863 बिलियन आया 2022 में। वुमेन पावर एंड कैंसर रिपोर्ट, ये भी लैंसेट कमीशन ने निकाला। ठीक है ना, अब यहाँ पे बोला है कि अराउंड 63% ऑफ जो प्री मेच्योर डेथ होता है ड्यू टू कैंसर इन इंडियन वुमेन कुड हैव बीन प्रिवेंटेड बाई स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, मतलब 63% जो प्री मेच्योर डेथ हो जाती है कैंसर के कारण ये ठीक किया जा सकता था, 37% को अवॉइड किया जा सकता था अगर टाइमली ट्रीटमेंट मिला तो। और इसीलिए ने बोला था कैंसर इंसिडेंट एंड मोर्टेलिटी बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स से कौन निकालता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये आयरिश एनजीओ है, एंड वेल्ट हंगर हेल्प, ये जर्मन एनजीओ है। इंडिया का रैंक है 111। ठीक है ना, इंडिया का जो पोजिशन है ना सीरियस कैटेगरी में है। चाइल्ड वेस्टिंग सबसे ज़्यादा इंडिया में है, एनीमिया वुमेन में होता है ज़्यादा। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स, ध्यान देना, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स ये किसके द्वारा निकाला गया? नॉर्ड लेयर, एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी, इंडिया का इसको रैंक है 64। टॉप 4-5 कौन है? डेनमार्क, नीदरलैंड, जर्मनी, स्पेन और स्वीडन। रिमोट वर्क, ठीक है ना, ये कंट्री को इवेल्युएट करता है बेस्ड ऑन साइबर सेफ्टी, इकोनॉमिक सेफ्टी, डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब। 15th ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, पेंशन की बात करते हैं तो एक तो मर्सर निकालता है और CFA इंस्टीट्यूट निकालता है। इसमें बॉटम 3 कौन है? अर्जेंटीना सबसे लास्ट है, इंडिया 45th में है, कैटेगरी है डी। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट 2023, ये रिपोर्ट रिलीज करता है फ्रेसर इंस्टीट्यूट जो कि एक कैनेडियन थिंक टैंक है, और सबसे फ्री इकोनॉमी की बात करते तो सिंगापुर है सेकंड पे, हांगकांग है थर्ड है, स्विट्जरलैंड। भारत का रैंकिंग है 87, सबसे लीस्ट फ्री इकोनॉमी है वेनेजुएला। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये वीपो निकालती है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया का रैंक है 40, और इंडिया का रैंक बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। देखो 2015 में इंडिया का रैंक था 81, मतलब इनोवेशन में इंडिया पीछे था, अब थोड़ा थोड़ा और इम्प्रूव हो रहा है इंडिया। ऑक्सफोर्ड का ग्लोबल सिटीज रिपोर्ट होता है, ऑक्सफोर्ड का ये रैंकिंग निकालते हैं, बहुत सारे सिटीज की रैंकिंग निकालते हैं, इसमें टोटल 1000 सिटीज़ की रैंकिंग निकालते हैं। तो भारत में सबसे ग्लोबल सिटी में सबसे अच्छा कौन है? दिल्ली है, और वैसे पूरी दुनिया में सबसे टॉप कौन है? न्यूयॉर्क है, और भारत में दिल्ली सबसे पहला है, सेकंड नंबर पे बेंगलुरु, थर्ड पे है मुंबई। कि ऐसा नहीं कि कौन साफ है नहीं, ग्लोबल स्टैंडिंग कौन से शहर की सबसे ज़्यादा है। सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन बताते हैं, सबसे ज़्यादा विराट कोहली है, सेकेंड नंबर पर रणवीर सिंह, थर्ड पर शाहरुख खान, फिर अक्षय कुमार, आलिया भट्ट। ये कौन निकालती है? क्रोल निकालती है, एक मतलब रिपोर्ट निकालती है, बस ये याद रखिएगा। कांतर्स का एक मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड रिपोर्ट आता है कांतर्स का, ये इसमें उसने टॉप किसको किया है? टॉप किया है एप्पल को, 46वें रैंक पे है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, उसके बाद इंफोसिस है 74 पे है। एक रिपोर्ट किसके द्वारा? कंतार ब्रांड रिपोर्ट होते हैं कि मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स की बात करते हैं। ये एप्पल ऑब्वियसली पहला है, ये
पहला ब्रांड बना है पूरे हिस्ट्री का जिसने 1 ट्रिलियन का ब्रांड वैल्यूएशन बना लिया है अपना। टॉप 5 में वही आता है, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन और मैकडी। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करते हैं, तो एशिया की रैंकिंग हुई तो इंडिया का जो है, इंडिया के तरफ से जो टॉप किया है वो IISc किया है, IISc। और ये कौन से निकालती है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशियन यूनिवर्सिटी, ध्यान देना एशियन यूनिवर्सिटी। वैसे जो शिंगुआ यूनिवर्सिटी है उसने टॉप किया, उसके बाद पेकिंग यूनिवर्सिटी सेकेंड स्थान पे, और ठीक है ये बस याद रख लेना, शिंगुआ चाइना का, वैसे पेकिंग चाइना का ही है। इंडिया की तरफ से बस देख सकते हो टॉप IISc बेंगलुरु ने किया, फिर अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, महात्मा गांधी कोट्टायम और जामिया मिलिया। और उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन बोला जाता है N2O, तो बोला जाता है कि पिछले 40 साल में 1980 से लेकर 2020 तक सबसे ज़्यादा 40% का ग्रोथ हुआ। सबसे ज़्यादा कौन ग्रोथ किया, चाइना, नाइट्रस ऑक्साइड का। NO2 नहीं है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है जो एसिड रेन में आता है, NO2+SO2 वो नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है। और एक जर्नल आया है उसमें यह पता चला है सबसे ज्यादा इमिट करता है चाइना, फिर इंडिया, फिर USA। ग्लोबल डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट की बात करते हैं, ग्लोबल डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट में इंडिया का रैंक है थर्ड, ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है पिछले 1 डिकेड में इंडिया ने। और जो इंडिगो है ना वो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा मैजेस्टिक ग्रोथ देखने को मिला, उसका एनुअल कैपेसिटी ग्रोथ उसका 13.9% है। ये देखो अभी जो हमने रैंकिंग देखा वो एशिया का था, और निकाला कौन था, टाइम्स हायर एजुकेशन। ये वाला जो रिपोर्ट है ना वो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 ने निकाला, इसमें MIT को टॉप कराया है, और IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली ये 150 में है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा MIT, फिर आता है ICL, इम्पीरिकल कॉलेज ऑफ लंदन, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, फिर IISc। विशाखापट्टनम पोर्ट की बात करते हैं, देखो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आता है, एक तो वर्ल्ड बैंक प्लस S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस, ठीक है ना, ये दोनों मिलके रिपोर्ट निकालते हैं, ये दोनों मिलके रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस, ये दोनों मिलकर रिपोर्ट निकालते हैं। इसमें विशाखापट्टनम पोर्ट को 19वां रैंक दिया गया है कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में, ठीक है। सेकेंड नंबर पे भी भारत की तरफ से कौन है, विशाखापट्टनम पहले 19 रैंक है, फिर मुंद्रा है 27। मुंद्रा को किसके द्वारा चलाया जाता है, अडानी पोर्ट के द्वारा। उसके बाद सबसे टॉप रैंक कौन है, यांगशान पोर्ट है जो चाइना का है। ब्लमबर्ग विलीनियर्स इंडेक्स की बात करते हैं, तो मुकेश अंबानी और गौतम अडानी ये टॉप 15 में है, याद रखिएगा। मुकेश अंबानी की रैंक है 12th और भारत की तरफ से फर्स्ट, और अडानी का रैंक है 14th भारत की तरफ से सेकेंड। जो बर्नार्ड ऑर्टसॉल्ट है ये फाउंडर एंड CEO है ऑफ LVMH मोएट के, तो इस ये है टॉप पे, याद रखिए। पहले अर्नॉल्ड, फिर जेफ बेजोस, फिर एलन मस्क, फिर मार्क जकरबर्ग, फिर लैरी पेज। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करते हैं, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स निकालता कौन है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, 163 कंट्री का रैंक देता है, भारत का रैंक है 116। सबसे टॉप है आइसलैंड, फिर आयरलैंड, ठीक है। यूरोप सबसे मोस्ट पीसफुल रीजन है, याद रखिएगा। सबसे कम पीसफुल मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका वाला रीजन है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ये कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, किसके साथ पार्टनरशिप है, एक येले सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल लॉ है एंड पॉलिसी एंड कोलम्बिया यूनिवर्सिटी, ये सब मिलके, ठीक है। इसमें इंडिया का रैंक 180 आउट ऑफ 176 है, थोड़ा सा ग्रो किया है भारत पिछले समय से, क्योंकि शुरुआत में मतलब कि शुरू शायद 1-2 साल पहले भारत का लास्ट रैंक हुआ करता था। ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, इसमें भी भारत ने ग्रो किया है, 2021 में
54वां था, अब 39th पोजीशन पे आ गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। साउथ एशिया में और लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमिक्स में ये पहला है भारत, ठीक है। सबसे टॉप कौन किया? यूएस, फिर स्पेन, फिर जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। ग्लोबल जेंडर गैप भी यही पब्लिश करता है, इसमें भी आइसलैंड टॉप किया, भारत की रैंक है 129 ग्लोबल जेंडर गैप में। देखो याद रखिए, भारत का रैंकिंग साउथ एशिया में सेकेंड लास्ट है, सबसे नीचे साउथ एशिया में पाकिस्तान, उससे जस्ट ऊपर है भारत, बाकी जो साउथ एशियन कंट्री है ना वो भारत से ऊपर है। और अब बात करें सबसे लास्ट रैंक क्या है, सूडान है, और सेकेंड लास्ट है पाकिस्तान, आइसलैंड टॉप है, उसके बाद आता है फिनलैंड। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये बताता है कि इंडिया एब्सोल्यूट पैरिटी से 134 साल दूर है, ठीक है, कि मतलब 100 जिस तरह से ग्रो भारत कर रहा है जिस रेट से, तो 134 साल लगेंगे जब पूरा जेंडर इक्वालिटी एकदम 100% हो जाएगी तब। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक है 63rd ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसको भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एनर्जी ट्रांजिशन, जेंडर गैप, ट्रेवल एंड टूरिज्म, ये दोनों, और उसके अलावा एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, ये सब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही निकालते हैं। एनवायरमेंटल का परफॉर्मेंस देख लो, जेंडर गैप देख लो, ट्रेवल एंड टूरिज्म देख लो, एनर्जी ट्रांजिशन देख लो, सभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ईवी इंडेक्स, ठीक है, तो एनएसई इंडेसेस ने एक्चुअली लॉन्च किया है इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स, जिसका नाम क्या रखा है, निफ्टी ईवी या न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स, ध्यान देना, न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स या निफ्टी ईवी, और एनएसई इंडेसेस ने लॉन्च किया है। इसमें बस ये देखा जाएगा कि ये इंडेक्स का मेन एम होता है कि ट्रैक करे परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी जो ईवी सेक्टर में लगे हुए हैं, प्रिवेंटिंग एयर पॉल्यूशन, ध्यान देना, इसमें प्रिवेंट करने की बात करें एयर पॉल्यूशन को रोकने की, तो कानपुर इसमें पहला नंबर बना है, 131 जो नॉन अटेनमेंट सिटी है। नॉन अटेनमेंट सिटी का मतलब होता है ऐसे सिटी जो डेंजरस फेज में थे, तो ये रिपोर्ट इसीलिए निकाला जाता है। सेंट्रल, देखो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक रिपोर्ट आता है, ठीक है, उसमें कुछ सिटी को नॉन अटेनमेंट सिटी में रखा गया है कि ऐसे सिटी जहाँ पर प्रॉब्लम काफ़ी ख़राब है। तो यहाँ देखें किसने अच्छा काम कर रहा है, कौन अब अच्छा काम कर रहा है, तो ये रिपोर्ट निकाला जाता है, उसमें कानपुर टॉप किया, सेकंड पे कौन किया, सेकंड पे मुंबई का थाने, थर्ड पोजीशन पे था दिल्ली, कोलकाता फोर्थ, गाजियाबाद फिफ्थ। इंडिया बन गया है थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कोविड वैक्सीन, ठीक है, आफ्टर चाइना एंड रसिया। 50 richest सिटी की बात कर जाए तो दिल्ली और मुंबई हैव लेफ्ट वांसिगटन डीसी बिहाइंड, पीछे छोड़ दिया है। richest सिटी में हेनली एंड पार्टनर्स रिपोर्ट निकालता है, जिसमें न्यूयॉर्क टॉप किया, मुंबई 24वां, दिल्ली 37वां। अमेरिका का जो बे एरिया है वो सेकेंड प्लेस पे आया, टोक्यो थर्ड, सिंगापुर फोर्थ, और ब्रिटेन का लंदन फिफ्थ। सेकेंड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क की बात करें तो इंडिया का मेट्रो जल्दी से जल्दी जिस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है, ये सेकेंड मेट्रो नेटवर्क बन जाएगा, पहला पे चाइना अभी भी। सेकेंड कालाजार फ्री कंट्री की बात करते हैं, बांग्लादेश के बाद इंडिया सेकेंड कंट्री बना है जहाँ पे कालाजार का केस नहीं हुआ। देखो केस, देखो एक होता है WHO का एक स्टैंडर्ड होता है कि इतना पॉपुलेशन में इससे कम अगर केस है ना, मतलब टोटल पॉपुलेशन में कितना केस है, तो उसमें क्या करते हैं, उसको कालाजार फ्री कंट्री का डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। 99% ऑफ सिक्स जो ये कुछ ब्लॉक है ना वो बिल्कुल फ्री हो गए हैं कालाजार से। चलो अगला क्या है यहाँ पे, डोप टेस्ट इन इंडिया है, डोप टेस्ट इन इंडिया का वाडा रिपोर्ट के लिए इंडिया सबसे हाईएस्ट परसेंटेज दिखा रहा है फेल्ड डोप टेस्ट में, मतलब जहाँ पे टेस्ट मान लो 100 टेस्ट हो रहा है, किसी देश में 100 टेस्ट में 50 फेल कर जा रहा है, मतलब 50 लोग इलीगल निकल जा रहा है, तो इसको परसेंटेज बोलते हैं। तो
तो भारत में सबसे ज़्यादा है। डोपिंग इसलिए किया जाता है कि एक फिजियोलॉजिकल मेडिएशन डाला जाता है जो नॉर्मली हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता। क्यों डाला जाता है? ताकि एथलीट के परफॉर्मेंस को इंक्रीज इम्प्रूव किया जा सके। जैसे मैनिपुलेशन ऑफ ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट, केमिकल एंड फिजिकल मैनिपुलेशन, ये सब जीन डोपिंग, ये सब। आईडेट कमीशन का रिपोर्ट है नेशनल। देखो, आईडेट कमीशन का एक रिपोर्ट आया था। ये रिपोर्ट किससे रिलेटेड था, याद रखिए, डी नोटिफाइड नोमेडिक एंड सेमी नोमेडिक ट्राइब से रिलेटेड था। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा आया था? भीखू राम जी आईडेट के कमेटी के, आईडेट एक कमेटी बनाए थे, उसके हेड थे आईडेट। तो इनके कई सारे रिकमेंडेशन थे। सबसे पहले, जिस तरह नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लास है ना, उसी तरह इन्होंने बोला कि एक परमानेंट कमीशन बनाया जाए नोमेडिक सेमी नोमेडिक एंड डी नोटिफाइड ट्राइब के लिए। इन जो चैलेंज फेस करता है उनको सॉल्व किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए। और उसके अलावा स्टिग्मा इम्पोज बाय इनैक्टमेंट, मतलब ये एक्ट में जो भी प्रॉब्लम है ना या इम्स में जो है वो सबको ठीक किया जाए। ऑन द वुमेन बाय द वुमेन फॉर द वुमेन, ये रिपोर्ट किसने निकाला? SBI ने। इसमें क्या किया जा रहा है कि कुछ चीज़ें देखिए, स्टडी ऑफ टाइटल, इसमें सबसे पहले बताया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो फीमेल है पिछले 5 साल में उनका इनकम 3 गुना हो गया है। बैंक अकाउंट सेल्फ हेल्प ग्रुप में 97.5% है। 65% ऑफ रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स हैं मूव्ड अपवर्ड इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव इनकम, ये बढ़ गए हैं। ठीक, और भी बहुत कुछ हुआ है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑल एज, ये भी राइज किया है। इंडिया का जो पॉपुलेशन ट्रेंड्स है उसके बात करते हैं। सबसे पहले ये रिपोर्ट निकाला गया है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का एक लेटेस्ट रिपोर्ट है। इंटरवुवेन लाइव्स थ्रेड ऑफ होप्स एंडिंग इनइक्वालिटी इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट, मतलब कि जो इनइक्वालिटी है ना सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ और राइट में, उसको कम करना है। ठीक है, ये रिपोर्ट किया कि इंडिया का पॉपुलेशन डबल हो जाएगा 77 ईयर में। चलो, 359th रिपोर्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो फंक्शनिंग है ना, उसका 359th रिपोर्ट है। देखो, ये पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड किया है एक माइनर मॉन्यूमेंट्स का लिस्ट बनाया जाए और इसको रेशनलाइज किया जाए। लगभग इतना माइनर मॉन्यूमेंट्स है। कमेटी जिसके हेड थे वी विजय साई रेड्डी, YSRCP के राज्यसभा MP है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का रिपोर्ट आया है, ठीक है ना, तो बोला कि इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है क्लाइमेट चेंज को से लड़ने के लिए। रिपोर्ट का क्या नाम है? ब्लेंडेड फाइनेंस फॉर क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ठीक है, NDC में काफ़ी अच्छा काम किया। इंडिया का जो पंच अमृत कमिटमेंट है जो मोदी जी ने COP 26 में, आई थिंक ग्लासगो में ये दिया था, और इंडिया का कमिटमेंट है कि जो 2030 तक जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा उसका 50% हम लोग रिन्यूएबल से यूज करेंगे। और ये भी बोला कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएंगे बिल्कुल। CBRE का रिपोर्ट है। CBRE इंडिया रिसर्च प्रिपेयर रिपोर्ट टाइटल MSME से रिलेटेड है। अनलीजिंग द इंजन ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी। सबसे ज़्यादा MSME का शेयर महाराष्ट्र में, फिर तमिलनाडु में, फिर UP में। ठीक है, द रिपोर्ट को अनवील किया गया। एक CREDAI नेशनल न्यू इंडिया समिट हो रहा था UP वाराणसी में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकालता है? RBI निकालता है। ये भी यहाँ पे बताया कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसमें भी डिक्लाइन हुआ है। रोबस्ट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ये भी अच्छा है। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन 2021-2022 की बात करते हैं। ये कंडक्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन वाला जो इम्पोर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, इसके बाद। ठीक है ना, ये डेटा वगैरह नहीं याद रखना है। ठीक है, साइबर क्राइम रिपोर्ट की बात करते हैं। इंडिया
80th नंबर पे मोस्ट टारगेटेड है, याद रखना, सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी मार्केट 2023 में $6 बिलियन पहुंच गया है। और देखो, बोला जा रहा है कि इंडिया में लगभग 34% लोग हैं जो एक्सपीरियंस करते थ्रेट कोई ना कोई। वन नेशन वन इलेक्शन, एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, आपको पता है, रामनाथ कोविंद जी के लीड चेयरमैनशिप में। उन्होंने क्या किया, रिपोर्ट दिया है किनको, अभी वाले जो प्रेसिडेंट साहिबा है, द्रौपदी मुर्मू जी को, ठीक है। और ये भी एक इवन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री भी बोलते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन एक कोर है एस्पायरेशनल इंडिया का। हाउस कमेटी है जो है, हाउस कमेटी इथिक्स, हाउस एथिक्स कमेटी, ठीक है ना। स्पीकर ओम बिरला ने रेफर किया है बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे कंप्लेन अगेंस्ट महुआ मोइत्रा केस टू हाउस कमेटी, ठीक है। कोई केस को स्पीकर भेज सकते हैं एक कमेटी को, ठीक है। अब इस कमेटी के बारे में बोलते थे, ये दो पार्टी की एक कमेटी होती है, टोटल मेंबर इसमें 10 होते हैं, 5 होते हैं दोनों नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से। चेयरमैन का मतलब क्या होता है, मेजॉरिटी वही होती है, उसी पार्टी से होता है जिस पार्टी की सरकार हो। स्पीकर अपॉइंट करते हैं कमेटी के मेंबर 1 साल के लिए। 3 मेन काम है, एडवाइस एंड एजुकेशन, इन्वेस्टिगेशन, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर को रिव्यू करना। अब एक बारी देख लेते हैं कौन कौन हमारा हो चुका है, जैसे बिहार इकोनॉमी सर्वे, बिहार बजट, उसके बाद यहाँ पे बिहार करेंट अफेयर्स, नेशनल करेंट अफेयर्स, इंटरनेशनल इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, डिफेंस सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी अवार्ड, रिपोर्ट रैंकिंग अप हो गया। अब देखो, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे का कुछ कुछ चैप्टर एक साथ करेंगे। अब जो छोटा छोटा चैप्टर है, तो हम कई चैप्टर एक एक साथ मिलके करेंगे। तो जो मेजर चंक था, जो मेजर चंक था वो हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ये हमारा कुछ प्लान है, देख सकते हो, सपोर्ट भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।